नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। महबूब देश बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर पीलीभीत से है, जहां पर कॉलेज की छात्राओं और महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर किसानों का समर्थन किया है और कॉलेज की छात्राओं और महिलाओं ने कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकाली। ट्रैक्टर रैली में शामिल महिलाओं का कहना है कि वो अपने पिता और भाइयों का साथ दे रही हैं। तो एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है पीलीभीत की, जहां पर किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई और पीलीभीत में कॉलेज की छात्राओं और महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर किसानों का समर्थन किया और इनका कहना यह था कि कृषि कानून के विरोध में रैली निकाल रहे हैं। ट्रैक्टर रैली में शामिल महिलाओं का कहना है कि वो अपने पिता और भाइयों का साथ दे रही हैं। तो दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जहां किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, ट्रैक्टर मार्च किया, वहीं पीलीभीत में ट्रैक्टर के जरिए ही समर्थन किया गया, ट्रैक्टर रैली निकालकर समर्थन किया गया। महिलाओं और छात्राओं ने ट्रैक्टर रैली निकालकर कहा कि हम अपने पिता और भाइयों का समर्थन कर रहे हैं, कृषि कानून का विरोध करते हैं। और नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास किसानों ने इकट्ठा होकर चिल्ला बॉर्डर तक ट्रैक्टर ट्रॉली से कूच किया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद रही। इस मार्च में करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉली शामिल हुए, जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया। तो महामाया फ्लाईओवर से लेकर चिल्ला बॉर्डर, हालांकि दूरी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन विरोध का एक तरीका था, ट्रैक्टर मार्च निकलना था तो निकाला गया और बड़ी संख्या में इस दौरान फोर्स को तैनात किया गया था ताकि कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो किसान थे वो ट्रैक्टर लेकर महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक पहुंचे। हालांकि चिल्ला बॉर्डर के बाद दिल्ली शुरू हो जाता है, वहां से आगे उनको बढ़ने नहीं दिया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। और बुलंदशहर से दिल्ली कूच कर रहे भारतीय किसान यूनियन के नेता मांगेराम त्यागी के ट्रैक्टर के आगे सीओसीटी ने अपनी जीप खड़ी कर दी और खुद ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए और किसान नेता मांगेराम त्यागी से ट्रैक्टर साइड करने के लिए कहने लगे। लेकिन जब सीओसीटी की बात को अनसुना किया गया तो पुलिस अधिकारी गुस्से में कहने लगे कि उनके ऊपर ही ट्रैक्टर चढ़ा दो, लेकिन वो रास्ते से नहीं हटेंगे। आपको बता दें कि पुलिस मांगेराम त्यागी के घर को तड़के ही छावनी में बदल चुकी थी और घर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया था, लेकिन मौका पाकर मांगेराम त्यागी ट्रैक्टर से दिल्ली के लिए कूच कर गए, लेकिन उनको भूड़ चौराहे के पास रोक लिया गया। देखिए काफी देर तक नोकझोंक चलती रही। सब हट जाओ, आप सब साइड में भी न लगाने का हूँ, मैं भी साइड न लगाने का हूँ। साहब एक काम, अगर आप ऐसे साहब अब अगर आप ऐसे साइड न लगाओ, आप एक काम करो, अब आप बुला लो बड़े अधिकारी को, बुला लो, बात खत्म करो। और हापुड़ में किसान संगठनों के आह्वान पर सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हुए दिल्ली कूच करते दिखाई पड़े, जिसके बाद अधिकारियों ने जिले में अलर्ट घोषित कर दिया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। तो देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हापुड़ की तस्वीरें हैं, जहां पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए थे। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग लगाई गई। हापुड़ में किसान संगठनों के आह्वान पर सैकड़ों की तादाद में किसान ट्रैक्टर रैली निकालते हुए दिल्ली कूच के लिए निकले, जिसके बाद अधिकारियों ने जिले में अलर्ट घोषित कर दिया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। अलग अलग जगहों पर बैरिकेडिंग के साथ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। मेरठ में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी जिले के तमाम किसान नेताओं को मनाने की कोशिश में जुटे रहे, लेकिन ट्रैक्टर रैली निकालने की जिद पर अड़े किसान नेताओं ने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की बात मानने से इनकार कर दिया। इसके बाद कई किसान नेताओं को उनके घरों में नजरबंद किया गया। यहां पर पुलिस ने कुलदीप त्यागी को घर पर ही नजरबंद कर दिया था। तो ट्रैक्टर रैली के मद्देनजर प्रशासन मुस्तैद था और कई किसान नेताओं को घर में ही नजरबंद किया गया। कुलदीप त्यागी को भी घर में ही रखा गया ताकि वो ट्रैक्टर रैली ना निकाल पाए और अलग अलग जगहों पर इस तरीके की कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई।
सीतापुर में भी कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में किसान संगठनों के आह्वान पर सैकड़ों काश्तकारों ने ट्रैक्टर मार्च किया। जिले में ग्रामीण इलाकों में भारी संख्या में काश्तकार अपने ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ जिला मुख्यालय पहुंचे। इसी बीच सीतापुर जिला और पुलिस प्रशासन ने उन्हें हरगांव और रामकोट में रोकने का प्रयास किया। नहीं करेंगे नेपाला पुरुष तो किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश की और पुलिस ने उनको रोक दिया, प्रशासन ने उन्हें रोक दिया गया। किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालने की कोशिश की थी तो कई जगहों पर ट्रैक्टर मार्च निकल पाए, कई जगहों पर नहीं निकल पाए और सुरक्षा के मद्देनजर कई जगहों पर कार्रवाई की। और सीधे रुख करते हैं गाजियाबाद बॉर्डर का। शक्ति सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति, जिस तरीके से केवल दिल्ली के बॉर्डर ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग जिलों से ट्रैक्टर रैली की तस्वीरें आई, कई जगहों पर ट्रैक्टर रैलियों को रोका गया, कई जगहों पर किसान नेताओं को नजरबंद भी किया गया, अब किस तरीके का माहौल है? कल बात होनी है, क्या रणनीति है किसानों की, क्या क्या कुछ कह रहे हैं आज के आंदोलन के बाद? देखिए, किसानों ने पहले ही साफ कर दिया था कि अभी तो ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। अगर हम बात करें किसानों की रणनीति की, तो किसानों की रणनीति ये है कि अब घर घर जाकर जन जागरण एक अभियान चलाएंगे किसान, और किसान सबको बताएंगे कि ये जो हमारे साथ हो रहा है ये अन्याय है और ये हम इसके विरुद्ध में यहाँ बैठे हैं। तो कुछ लोगों को अब ये आंदोलन किसान आंदोलन की जगह जन आंदोलन में बदलने की पूरी पूरी तैयारी चल रही है। तो लगातार जिस तरीके से यहाँ किसान बैठे हुए हैं तो किसानों का तो साफ तौर पर यही कहना है कि हम यहाँ तक जब तक बैठे रहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं होती। अब लगातार किसानों का जो आंदोलन है इसमें बढ़ोतरी ही देखने को मिल रही है, कहीं भी इसमें घटतौली देखने को नहीं मिल रही है। किसान रोजाना कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। लगातार अगर बात करें किसानों की, तो किसानों का कहना है कि जिस तरीके से वार्ताएं विफल हो रही हैं, बिल्कुल, और आपके आसपास सभी किसान भी हैं, एक बार उनसे भी बात करिए, इतनी ज्यादा आखिर क्या चाहते हैं, कल की बैठक में क्या हो कि सहमति का रास्ता निकल आए? ये देखिए, कल बैठक है, उस बैठक से आप लोगों को कितनी उम्मीदें हैं, क्या सरकार आपकी बात मानेगी या पहले की तरह ऐसी विचारधारा रहेगी? देखो, फिलहाल तो मुझे नजर नहीं आ रही कोई उम्मीद नहीं है। सरकार की जो रणनीति है वो सही नहीं है, क्योंकि पहली वार्ता से हमारा काफी मन टूट चुका है। आज हमने एक ट्रैक्टर मार्च पास इसलिए किया था कि हम सरकार को बताना चाहते थे कि ये शांतिमय तरीके से फिलहाल हमने किया है कि हमारी मांगे मान लो, तीनों कानून रद्द कर दो, खिचड़ी मत पकाओ, कभी इधर मत घुमाओ, इतना क्यों तड़पा रहे हो, और सरकार के हाथ में है और सरकार ये निर्णय ले सकती है, जल्दी से जल्दी ले ले, और हम घर घर जाके हमारा जो मिशन है हम पूरी तेजी लाएंगे इस आंदोलन में। हालांकि तेजी आ चुकी है, लाखों की तादाद में बॉर्डरों पर किसान पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में जन सैलाब दिल्ली के अंदर चप्पा चप्पा सील करने की हमारी रणनीति रहेगी। अंदर एंटर करना ही करना है, 26 जनवरी की हमारी जो तैयारी है वो सक्सेसफुल होनी है। 26 जनवरी को तो अभी बहुत दिन है, तो आप पहले क्यों मान रहे हैं कि 26 जनवरी की तैयारी की जा रही है? तैयारी इसलिए की जा रही है कि हमने जागरूक करना है ना लोगों को, मैसेज देना है गांव-गांव जाके। कल से जो लोग हैं हमारे घर घर जाके, जैसे मोदी जी कह रहे थे ना, हम समझाने का प्रयास करेंगे कि बिल सही है सही है, अब हम भी बताएंगे कि आपके लिए सही नहीं है। जिनको आज तक नहीं भी बताया था उनके घर जाके लोग हमारे बताएंगे, हम फोर्स करेंगे अपने लोगों को कि गांव-गांव जाके मीटिंग लो और गांव के सरपंचों से मिलो और एक मोटिवेशन दो लोगों को कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। भोले वाले किसान है, उनको अभी तक काफी किसानों को नहीं पता, ये बीजेपी की तो रणनीति है कि मान जाओ। क्यों मान जाओ? जिस तरीके से इनका यही कहना, जिस तरीके से बीजेपी घर घर गई थी, जन चौपाल लगाई थी, उसी तरह हम भी जन जागरण करेंगे और घर घर जाएंगे, लोगों को समझाएंगे कि हमारे साथ सही नहीं हो रहा। तो साफ तौर पर अगर आज की हम ट्रैक्टर मार्च की बात करें तो सुबह आज ये 10 बजे चालू हुआ था और शाम होते होते ये खत्म हुआ है, जो यूपी गेट पर यहाँ से जो ट्रैक्टर गए थे। बिल्कुल, और अब किसान ये चाहते हैं कि इसको जन जागरण अभियान बना दिया जाए, जनता तक और जन आंदोलन के तौर में इसको तब्दील कर दिया है। शुक्रिया शक्ति, तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत करने के लिए। और बड़ी खबर कानपुर से है, जहां पर चिड़ियाघर में 10 पक्षियों की मौत हुई है। बुधवार को भी कुछ पक्षियों की मौत हुई थी और सभी के सैंपल भोपाल रिसर्च सेंटर भेज दिए गए हैं। 8 जनवरी को भोपाल से रिपोर्ट आ जाएगी, यानी कि कल रिपोर्ट आ जाएगी। तो बड़ी खबर कानपुर से, उत्तर प्रदेश में भी क्या बर्ड फ्लू की दस्तक हो गई है, इसकी पुष्टि 8 तारीख को हो जाएगी। दरअसल चिड़ियाघर में 10 पक्षियों की मौत हुई है और
जो सैंपल्स हैं वो जांच के लिए भोपाल रिसर्च सेंटर भेजे गए हैं। 8 जनवरी को भोपाल से रिपोर्ट आ जाएगी और उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि जो पक्षियों की मौत हुई है ये बर्ड फ्लू के चलते हुई है या फिर कोई और कारण है। लेकिन जिस तरीके से बर्ड फ्लू को लेकर उत्तर प्रदेश अलर्ट है, देश भर के राज्यों में अलर्ट है, ऐसे में कानपुर से बड़ी खबर है जहां पर 10 पक्षियों की मौत हुई है और इसके फौरन बाद जो सैंपल्स हैं वो भोपाल रिसर्च सेंटर भेजे गए हैं और 8 तारीख को भोपाल से रिपोर्ट आएगी और उसके बाद ये पुष्टि होगी कि पक्षियों की मौत सामान्य है या फिर कानपुर में बर्ड फ्लू की दस्तक पहुंच गई है। और ग्रेटर नोएडा में भी बर्ड फ्लू को लेकर जिलाधिकारी अलर्ट हैं। बर्ड फ्लू को लेकर गौतम बुद्ध नगर ने कहा कि जिले में बर्ड फ्लू को लेकर अभी कोई केस नहीं मिला है और साथ ही वन विभाग को भी सूचित कर दिया गया है। प्रवासी पक्षियों को लेकर निगरानी रखने को कहा गया है और जहां पर पक्षी पालन हो रहा है वहां पर भी उनके सैंपल लिए जाए। आजमगढ़ में एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। अजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने कुंटू सिंह की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया है। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद रही। जिलाधिकारी की मौजूदगी में ये कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिस तरीके से कल अजीत सिंह की हत्या हुई थी, कुंटू सिंह पर आरोप लगे कि उसने जेल के अंदर रहते हुए हत्या करवाई, क्योंकि अजीत सिंह की 3-4 दिन बाद कुंटू सिंह के खिलाफ गवाही होनी थी कोर्ट में पूर्व विधायक की हत्या के मामले में। और इसी के बाद अब एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। अजीत सिंह की हत्या के मामले में पुलिस ने कार्रवाई की, कुंटू सिंह की संपत्ति को ढाया गया है। ये अवैध निर्माण के दृष्टिकोण की कार्रवाई नगर पालिका द्वारा यहाँ पर की जा रही है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान किसी को नुकसान हो इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। हम और डीएम साहब दोनों यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं इसको दृष्टिगत रखते हुए शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। बाकी सारे अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और लखनऊ के विभूति खंड के कठौता चौराहे के पास खून लगी दो बाइकें पुलिस ने बरामद की हैं। पुलिस ने बाइक की चाबी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा है। कमता बस डिपो के पास से पुलिस ने दो बाइकों को बरामद किया है। देखिए यही वो दो बाइक हैं जिनको पुलिस ने बरामद किया है। खून इनमें लगा हुआ था और इनके जो चाबियां हैं उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है और पता लगाने की कोशिश है कि कल जिस तरीके से एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, क्या इनका इन बाइकों का भी इस्तेमाल हुआ। तो एक तरफ कुंटू सिंह की संपत्ति पर बुलडोजर चल रहा है तो दूसरी तरफ दो संदिग्ध बाइकें पुलिस ने बरामद की है और पुलिस ने बाइक की चाबी को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है। आज एक बड़ी बैठक भी हुई थी जिसमें लखनऊ के कमिश्नर के साथ ही साथ बड़े अधिकारी मौजूद थे और कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। लखनऊ के गोमती नगर में मोहम्मदाबाद गोहना मऊ के पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्या के बाद आजमगढ़ सगड़ी के विधायक वंदना सिंह का परिवार खौफजदा है। विधायक वंदना सिंह के पति सर्वेश सिंह सीपू, जो कि सगड़ी से पूर्व विधायक थे, उनकी हत्या 19 जुलाई 2013 में जियनपुर बाजार में उनके आवास के पास कर दी गई थी और सीपू सिंह के भाई संतोष सिंह टीपू की गवाही पूरी हो गई है। संतोष सिंह ने बताया कि अजीत सिंह को कुछ दिन पहले से इस बात की धमकी मिल रही थी कि वो मेरे भाई और पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू हत्याकांड में माफिया कुंटू सिंह के विरुद्ध गवाही न दे। मैं कप्तान साहब से मिलने आया था कि हमारे कल एक लखनऊ में जो है अजीत सिंह की हत्या हुई, जो हमारे भाई की हत्या में कुंटू सिंह के खिलाफ 120B के गवाह थे। मेरी गवाही जो है चल रही थी और अभी ख़त्म होने वाली थी, इसके बाद जो है हफ्ता बाद उनकी गवाही शुरू होने वाली थी। कुंटू सिंह काफ़ी दिन से प्रयास कर रहे थे कि वो उनके खिलाफ वो गवाही न करें तो इस बात पर अजीत सिंह मान नहीं थे। अजीत सिंह कहते नहीं मैं जो है गवाही करूँगा। इसी को लेके कुंटू सिंह ने अजीत सिंह की जो है कल शाम 8:30 बजे के आसपास अपने साथियों द्वारा हत्या करा दी। जो मृतक है जो जिसकी कल हत्या हुई है जी, ये उनके केस का मुख्य गवाह था। उस सिलसिले में इसे मिले थे और उनकी सुरक्षा के विषय में और फर्दर के कैसे गवाही आगे कराई जानी उसके विषय में मेरी उनसे विस्तृत वार्ता हुई है
और मैंने उन्हें पूरा आश्वासन दिया है कि जितने भी लोग हैं परिवार के सबकी पूर्ण सुरक्षा पहले से भी की जा रही है, उन्हें मेरे द्वारा गनर दिया गया है और सुरक्षा दी गई है पूरे परिवार को। और किसी सुरक्षा की आवश्यकता होगी और किसी और कनेक्टेड आदमी को सुरक्षा की व्यवस्था होगी तो उसकी पूरी व्यवस्था की जाएगी। बागपत में कोतवाली बड़ौद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश आदित्य उर्फ गोलू घायल हो गया। आपको बता दें कि जेल में बंद कुख्यात बदमाश अजीत उर्फ हप्पू गैंग का शार्प शूटर है। पकड़ा गया बदमाश आदित्य। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की है। लूट, हत्या और चोरी समेत कई मामलों में आदित्य वांछित चल रहा था। इस पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया। तो 25,000 का इनामी बदमाश आदित्य गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ में इसे गिरफ्तार किया है। अजीत और पप्पू गैंग का शार्प शूटर है आदित्य, जिसको मुठभेड़ में पकड़ा गया है। प्रतापगढ़ में दिनदहाड़े 90 लाख की लूट हुई है। शिवा ज्वेलर्स की दुकान में घुसकर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। बंदूक की नोक पर 1.5 किलो सोना चांदी लूटा गया। लूट के बाद फरार अज्ञात नकाबपोश बदमाश फरार हो गए और नगर कोतवाली इलाके की श्याम बिहार गली में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आप देखिए किस तरीके से जो लुटेरे थे वो दुकान में पहुंचे, उन्होंने एक तमंचा दिखाया और जितना भी वहां पर सोना चांदी था वो लेकर चले गए। और जो ज्वेलर्स हैं उनका कहना है कि लगभग 1.5 किलो सोने चांदी के गहने थे जिनको लुटेरे अपने साथ ले गए। पुलिस अब इस फुटेज के आधार पर तलाश कर रही है। आप देखिए किस तरीके से ज्वेलर ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया कि आप गहने ले जाइए, जान बख्श दीजिए। भाई जान से नहीं थे, सब मुंह में गमछा बांधे हुए थे, लगा हुआ था। बाकी हम आए थे, बैठे थे अपना, वो आए कट्टा निकाले, फिर बोले कि कुछ बोलना मत, शांति से बैठे रहो, बाकी अपना सामान वामान लेके। कितना सामान लेके गए हैं? ज्वेलरी थी कि क्या था? हमारे अंदर 1.5 के आसपास था। क्या ज्वेलरी? मतलब उसमें सोना चांदी था कि और कुछ? नहीं, सोने का सामान, सोने की ज्वेलरी थी, सामान बना हुआ। अच्छा, और नगद भी कुछ लेके गए? नगद मेरे जो 2,000-5,000 जो यही काउंटर से ही ले गए हैं, नगद ज्यादा नहीं। अमेठी में पुलिस ने जिले की सीमाओं को सील किया है। प्रतापगढ़ में 90 लाख की लूट के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है। तो बड़ी चुनौती पुलिस के सामने है क्योंकि बड़ी लूट हुई है, 90 लाख रुपए की लूट हुई है। और इसके बाद अब अमेठी में पुलिस ने जिले की सीमाओं को सील किया है। प्रतापगढ़ में 90 लाख की लूट के बाद पुलिस एक्शन में है। पुलिस ने संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी। तो अमेठी की जो सीमाएं हैं वहां पर नाकेबंदी कर दी गई है। प्रतापगढ़ की सीमाओं को भी सील किया गया है, वहां पर भी जांच चल रही है। और देखिए एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस तरीके से प्रतापगढ़ में 90 लाख की लूट को की वारदात को अंजाम दिया गया, उसके बाद अमेठी में भी सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है, सीमाओं को सील किया गया है। और कोशिश है कि जल्द से जल्द इस बड़ी लूट की वारदात का खुलासा किया जाए। पुलिस के सामने भी ये एक चुनौती बनी हुई है। अमेठी की सीमाओं की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रतापगढ़ में 90 लाख की लूट होने के बाद इस तरीके से देखिए गाड़ियों की सघन चेकिंग हो रही है, सघन तलाशी अभियान चल रहा है। कोशिश पुलिस की यह है कि नाकेबंदी के जरिए अगर बदमाश जिले की सीमाओं को पार करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पकड़ा जाए, क्योंकि 90 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद, दिनदहाड़े लूट की वारदात को अंजाम देने के बाद कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और जौनपुर के बरसठी थाने के सहरमा गांव में जमीन विवाद को लेकर जमकर मारपीट हो गई। उस दौरान एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी से हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। दबंगों ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को भी नहीं बख्शा। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जौनपुर की तस्वीर देखिए, मारपीट में कई लोग घायल हुए हैं और काफी देर तक हंगामा होता रहा। दबंगों ने महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों तक को नहीं बख्शा, उनको भी पीटा गया। जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के सहरमा गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जमीन विवाद को लेकर यह मारपीट हुई थी। उत्तराखंड में कल कोविड की वैक्सीन का ड्राई रन होने जा रहा है और ये ड्राई रन हर जिले में 10 बूथों पर रखा गया है। और इस दौरान स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीन को लेकर अपनी तैयारियों को परखेगा। तो कोविड 19 टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है जल्द, और इसी के मद्देनजर कल उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। कल ड्राई रन होगा
और 10 बूथों पर हर जिले के डायरर रखा गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग कोविड वैक्सीन को लेकर तैयारियों को परखेगा। जहां पर संचार माध्यम नहीं है वहां पर इलेक्शन के तर्ज पर काम किया जाएगा। आगे दिखाइए, फर्स्ट पेज दिखाइए, क्या क्या होना चाहिए। और अनिल बलूनी ने रेल मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है, सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस नाम से ट्रेन चलाने की उन्होंने मांग की है। दिल्ली कोटद्वार के बीच सिद्धबली नाम से ट्रेन की मांग की गई है। पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस नाम से भी ट्रेन चलाने की मांग की गई है। टनकपुर से दिल्ली के बीच पूर्णागिरी नाम से ट्रेन चलाने की मांग की है। दरअसल कोटद्वार में बाबा सिद्धबली जागृत धाम है और टनकपुर में माँ पूर्णागिरी का दिव्य धाम है। दोनों ट्रेनों को पिछले दिनों बलूनी ने मंजूरी दिलाई थी। टाइम टेबल जारी होते ही दोनों ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन अब उन्होंने रेल मंत्री को पत्र लिखा है कि जो ट्रेन कोटद्वार जानी है उसका नाम सिद्धवली रखा जाए और जो ट्रेन टनकपुर जानी है उसका नाम पूर्णागिरी जनशताब्दी रखा जाए। तो इसके पीछे वजह भी है, कोटद्वार में बाबा सिद्धवली जागृत धाम है, टनकपुर में मां पूर्णागिरी का दिव्य धाम है। भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। बर्फबारी के बाद इस इलाके में सफेद चादर की 2 फीट मोटी परत जम गई है। बर्फबारी की वजह से चोपता बद्रीनाथ राजमार्ग को कई बार बंद करना पड़ा। बर्फबारी के बाद इलाके में ठंड का प्रकोप भी बढ़ गया है। बावजूद इसके भारी संख्या में देश के अनेक हिस्सों में पर्यटक बर्फबारी का आनंद लेने चोपता पहुंच रहे हैं। जेसीबी मशीन के जरिए बर्फ को सड़क से साफ किया जा रहा है। वहीं प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस भी जारी की गई हैं जिसमें बिना सलाह के ऊंचाई वाले स्थान पर जाने से मना किया गया है। खासकर जिन मरीजों को सांस लेने में दिक्कत है, शुगर है, हार्ट की बीमारी है, उन्हें इस इलाके में जाने से मना किया गया है। और टिहरी में बर्फबारी के बाद एक तरफ पहाड़ों पर बर्फ की चादर बिछ गई तो वहीं इससे आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। घनसाली विधानसभा के भारत तिब्बत सीमा से सटे गांव गंगी में सबसे अधिक बर्फबारी हुई। सीमांत गांव के घर, मकान, खेत खलियान सभी बर्फस्थान में तब्दील हो चुके हैं। सीमांत गांव गंगी का जिला मुख्यालय सहित मुख्य बाजारों से पूरी तरीके से संपर्क कट चुका है। बड़कोट में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। बारिश की वजह से पारा गिर गया है जिस वजह से यमुना घाटी इलाके में ठंड बढ़ गई है। हालांकि आज धूप निकली हुई है मगर ठंड फिर भी है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। ठंड से बचने के लिए लोग सुबह और शाम अंगीठी और हीटर का सहारा ले रहे हैं। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।